हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 1 जून 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज यहाँ पे है कि G7 वेरी आउटडेटेड, वांट इंडिया साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन ग्रुपिंग ट्रंप। तो ट्रंप जो कि US प्रेसिडेंट है, उनका ऐसा कहना है कि G7 काफ़ी पुराना हो चुका है और हमको अभी इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को इस ग्रुप में लेना चाहिए। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि G7 है क्या, आखिर G7 कब बना था, उसके बारे में पूरी हिस्ट्री को हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं 1973 में एक ऑयल क्राइसिस आया था। तो आफ्टर ऑयल क्राइसिस 1975 में, है ना, मतलब 73 में जब ऑयल क्राइसिस आया था, उसके बाद 1975 में छः कंट्री को लोग आपस में मिले और एक ग्रुपिंग बनाए कि अगली बार यदि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होगा तो उसको टैकल करने में हम लोग 6 कंट्री जो है, सारे कंट्री मिलजुल कर काम करेंगे। ठीक है, ये 6 कंट्री थे यदि देखा जाए तो, USA थे, UK थे, फ्रांस थे, इटली थे, जर्मनी थे, जापान थे। ठीक है, ये 6 कंट्री थे, USA, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान। उसके बाद 75 में एक ग्रुपिंग बना G6 के नाम से। तो सबसे पहले ग्रुपिंग बना था G6 के नाम से 1975 में। उसमें कौन कौन मेंबर थे, तो USA, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है 1976 में, 1976 में कनाडा ऐड होता है, तब जाके कंट्री बन गया G7। ठीक है, उसके बाद 1998 में इसमें रसिया ऐड होता है, तब कंट्री हो गया G8। ठीक है, तो पहले था G6। G6 में कौन कौन था, तो USA, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान। USA, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ये G6 थे। इसमें 1976 में, मतलब जस्ट एक साल बाद, इसमें एक कंट्री और ऐड हुआ, कनाडा, तो बन गया G7। ये G7 चल रहा था ठीक ठाक, उसके बाद 1998 में, मतलब लगभग 20-22 साल बाद, इसमें रसिया ऐड हुआ, तो जब बन गया G8। तो अभी तक ये G8 चल रहा था। उसके बाद आया 2014 में जो है रसिया, एक क्रीमिया एक जगह है ना, यूक्रेन, तो उस पर यूक्रेन और रसिया दोनों का दावा था कि क्रीमिया मेरा है, यूक्रेन कहता था मेरा है। तो रसिया जो है इस क्रीमिया वाले रीजन को एनेक्स कर लिया, मतलब उसको अपने मिला लिया। ठीक है, तो इसके कारण जो है USA के द्वारा ऐसा कहा गया कि रसिया जो है एक इलीगल काम किया है, इसलिए रसिया को G8 से बाहर कर देना चाहिए। तो 2014 में रसिया को G8 से बाहर कर दिया गया, तब ये वापस से बन गया G7। तो पहले था G6 1975 में, उसके बाद बना 76 में G7, 1998 में बना G8, 2014 में वापस बन गया G7। तो अभी जो है G7 है। तो इसमें भी ट्रंप का कहना है कि रसिया को वापस लेना चाहिए, री एडमिशन ऑफ रसिया। तो रसिया को वापस लेने से G8 बन जाएगा। उसके अलावा 3 कंट्री को नया एडमिशन इसमें लेना चाहिए, मतलब कि नया 3 कंट्री को ऐड करना चाहिए। कौन कौन, तो इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, 3 कंट्री को। तो ये था G7 के बारे में, G7 के हिस्ट्री के बारे में। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है, जो काफ़ी एक हिस्ट्री जैसा है कि एक प्राइवेट फ्लाइट द्वारा, एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा, जैसे अभी तक जो भी काम होता था स्पेस के फील्ड में वो सरकारी कंपनी के द्वारा होता था, जैसे नासा हो गया, अमेरिकन गवर्नमेंट का कंपनी, इसरो हो गया, इंडियन गवर्नमेंट का कंपनी, जाक्सा जापानी गवर्नमेंट का कंपनी, मतलब गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी के द्वारा होता था। लेकिन अभी जो है प्राइवेट कंपनी के द्वारा ऐसा किया गया है, एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम SpaceX, ठीक है, कंपनी का नाम है SpaceX, इस तरीके से SpaceX उसका नाम है, उसके द्वारा 2 आदमी को अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया। 2 आदमी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ऐसा मान सकते हैं, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसमें आदमी रह सकता है, एक हैबिटेबल जोन है वहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पर आदमी रह सकता है। वहाँ पर 3 लोग पहले से थे, 3 एस्ट्रोनॉट पहले से थे, 2 एस्ट्रोनॉट अभी गए इसके द्वारा कल फ्लाइट में SpaceX के द्वारा, तो वहाँ पे 5 आदमी हो गए। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं SpaceX के बारे में और ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। तो SpaceX जो है, इसका पूरा नाम है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजिकल कॉर्प। SpaceX का पूरा नाम है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजिकल कॉर्प। 2002 में इसको बनाया गया था, इलोन मस्क इसके मालिक हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में देखते हैं, तो ये 5 कंट्री के मिलकर बना है। इंटरनेशनल का मतलब ये नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सारे कंट्री का इसमें हक है, बस इसका नाम इंटरनेशनल, एक्चुअली इसमें 5 कंट्री का मिलकर बनाया गया है। नासा जो कि USA का कंपनी है, रोस्कोमोस रसिया का कंपनी है, जिस तरह से इसरो इंडिया का है उसी तरह से रसिया का जो स्पेस एजेंसी है उसको हम लोग रोस्कोमोस बोलते हैं, तो रोस्कोमोस है जो रसिया का है। उसके बाद जाक्सा इसमें है, जाक्सा जापान का है। ESA पूरा यूरोप का है, यूरोपियन यूनियन का है ऐसा बोल सकते हैं, तो यूरोपियन स्टेट, तो यूरोपियन का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और नेक्स्ट है CSA यानी कनाडा, चाइना नहीं, CSA कनाडा का कंपनी का नाम है, तो कनाडा। तो इसमें 5 कंट्री हैं, नासा यानी USA, रोस्कोमोस रसिया, जाक्सा जापान, ESA यूरोप और कनाडा यानी कि CSA यानी कनाडा। ठीक है, ये जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, लो अर्थ ऑर्बिट में ऑर्बिट करता है, लो अर्थ ऑर्बिट में सिचुएटेड है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और इसको भेजा गया था 20 नवंबर 1998 को, तो 1998 में
भेजा गया था स्पेस में, मतलब कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। तो ये था स्पेसएक्स के बारे में। आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है, यहाँ पे दिखाया गया है समोसा बॉन्ड। तो एक्चुअली एग्जाम पर्पज से इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें इतना याद रखें कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक वर्चुअल समिट होने जा रहा है 4 तारीख को, है ना। 4 जून को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक वर्चुअल समिट होने जा रहा है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, उनको हम फेमस रूप में SCOMO कहा जाता है, जैसे मोदी जी को नमो बोला जाता है ना, उसी को देखा देखी मतलब सारे दुनिया में डिफरेंट लीडर का नाम चालू किया गया था इस तरीके से उसके नाम को तोड़ मरोड़ कर। तो स्कॉट मॉरिसन को आगे का SCO और लास्ट का MO, जैसे नमो NAMO लिखा जाता है उस तरीके से, तो उसके नाम को ऑस्ट्रेलिया मीडिया में यूज़ किया जाता है। तो ये नाम जो है वेरी सिमिलर विथ समोसा, समोसा एक इंडियन फूड है, तो उसी का फोटो शेयर कर दो। स्कॉट मॉरिसन के द्वारा लिखा गया था कि समोसा विथ चटनी कम्प्लीटली वेजिटेरियन है ना, इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि संडे समोसा विथ मैंगो चटनी ऑल मेड फ्रॉम स्क्रैच इंक्लूडिंग द चटनी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है PT मीटिंग विद नरेंद्र मोदी। तो इधर से रिप्लाई गया इंडिया की तरफ से कि कनेक्टेड बाई इंडियन ओसन, यूनाइटेड बाई समोसा, इस तरीके से। तो 4 तारीख को बस इतना याद रखें कि 4 तारीख को ये मीटिंग होने वाला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो वर्चुअल समिट होगा, वर्चुअल समिट यानी कि वेब के थ्रू होगा, कोई प्राइम मिनिस्टर वहाँ के यहाँ नहीं आएंगे या फिर यहाँ के वहाँ नहीं जाएंगे, और इस तरीके से ये समिट होगा। तो समोसा बॉन्ड इसको नाम दिया गया है मीडिया के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे कि हाई डिग्री डोजेज लिंक्ड विद लोअर कोविड इन्फेक्शन इन हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में मतलब कि हेल्थ केयर के जो वर्कर हैं उनको ज़्यादा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने से लो मतलब कि चांस है COVID-19 का। तो हम लोग ICMR का ऐसा करना, तो ICMR के बारे में देख लेते हैं। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। इसका काम क्या है, प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च को प्रमोट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब कि डिपार्टमेंट छोटा होता है और मिनिस्ट्री बड़ा होता है। तो एक मिनिस्ट्री के अंदर कई डिपार्टमेंट होते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है, उसी के तहत ICMR आता है। ICMR का स्थापना 1911 में हुआ था, लेकिन उस समय इसका नाम ICMR नहीं था, उस समय नाम था IRFA यानी इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में 1911 में इसका स्थापना हुआ था। 1912 में ही इसका नाम बदल के ICMR कर दिया गया था। तो ये था ICMR के बारे में। आइए एक नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है इम्प्यूटेशन मतलब कि अगेंस्ट कोर्ट, ठीक है। इम्प्यूटेशन का मतलब होता है अगेंस्ट कोर्ट, कोर्ट के अगेंस्ट जाना। एंड ग्रेडिंग डैमेज द इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट जज का ऐसा कहना है कि जैसे 2-3 दिन पहले कुछ जज के द्वारा यहाँ पर सवाल उठाया गया था, ठीक है। एक स्पीच था फ्रीडम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द टाइम ऑफ COVID-19, जो मद्रास हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। वहाँ पे एक जज का कहना था, मदन बी लोकुर जो कि रिटायर्ड जज हैं, ठीक है, उनका कहना था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस क्राइसिस को मैनेज किया है, सरकार तो इस क्राइसिस को मैनेज कर ही रही है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सोई है इस क्राइसिस में, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट को एफ ग्रेड देना चाहिए। जैसे ABCD ग्रेड होता है ना बच्चों के एग्जाम में दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को एफ ग्रेड देना चाहिए। इसी के रिप्लाई में सुप्रीम कोर्ट के एक जो अभी सिटिंग जज है उनका कहना है कि इस तरीके से तो हम लोग यहाँ कॉन्टेम ऑफ कोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कॉन्टेम ऑफ कोर्ट का मेंशन जो आर्टिकल 129 में दिया गया है। कॉन्टेम ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि कोर्ट का जो बात है उसको नहीं मानना या फिर उसको अवहेलना करना, कोर्ट का बेइज्जती करना, आम भाषा में ऐसे समझ लीजिए। तो आर्टिकल 129 में कॉन्टेम ऑफ कोर्ट के बारे में बताया गया जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। आर्टिकल 129 के तहत क्वांटम ऑफ कोर्ट का पावर मिलता है सुप्रीम कोर्ट को, और आर्टिकल 215 के तहत है ना, आर्टिकल 215 के तहत क्वांटम ऑफ कोर्ट का पावर मिलता है हाई कोर्ट को क्वांटम ऑफ कोर्ट का पावर कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 215 और आर्टिकल 129 से मिलता है सुप्रीम कोर्ट को। और इसके अलावा एक एक्ट भी है, द क्वांटम ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, ठीक है, उसके तहत भी क्वांटम ऑफ कोर्ट का पावर मिलता है, द क्वांटम ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट का हिस्ट्री क्या है, तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में, ठीक है, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत कोलकाता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया था। कोलकाता में ये जो एरिया सर्व करता था, तो ये बंगाल बिहार और उड़ीसा इतने एरिया के लिए बनाया गया था, जो भी बंगाल बिहार उड़ीसा देखते हैं और झारखंड भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो 1773 में बंगाल बिहार उड़ीसा के लिए एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद फिर मद्रास में 1800 में बनाया गया एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। याद रखिए सबका नाम सुप्रीम कोर्ट ही था, जैसे कोलकाता में जो सेटअप किया गया था 1773 में उसका भी नाम सुप्रीम कोर्ट ही था। उसके बाद फिर मद्रास में 1800 में सेटअप किया गया, बम्बई में 1823 में सेटअप किया गया। तो अभी तक जो है कंपनी का शासन था, ECI का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और तो कहाँ कहाँ हुआ, कोलकाता में सेटअप किया गया 1773 में 1774 में, उसके बाद मद्रास में 1800 में, बॉम्बे में 1823 में। तो जब
डायरेक्टली जब इंग्लैंड के अंदर आया हमारा देश, ब्रिटिश क्राउन के अंदर जब हमारा देश आया 1858 में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, ठीक है, जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोला जाता है, तो 1861 में एक एक्ट पास किया गया, 1861 में हाईकोर्ट एक्ट जिसको बोला जाता है, तो हाईकोर्ट एक्ट 1861 में पास किया गया। उसके तहत डिफरेंट जगह हाईकोर्ट सेटअप किया गया और जो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नाम था ना सबको हाईकोर्ट नाम कर दिया गया, ठीक है, 1861 में। और जहाँ हाईकोर्ट नहीं था वहाँ पर हाईकोर्ट सेटअप किया गया, और उस समय हाईकोर्ट ही मैक्सिमम अपील का मतलब कि कोर्ट होता था, मतलब कि हाईकोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होता था, कोई ऐसा कोर्ट नहीं था कि सब जगह के एक कोर्ट यहाँ पे इस तरीके से, जैसे अभी है ना कि बंगाल का कोर्ट है उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, मद्रास वाले के भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, तो पहले ऐसा नहीं था, जो प्रोविंशियल कोर्ट होता था वही मैक्सिमम अपील का होता था। उसके बाद 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके तहत एक फेडरल कोर्ट बनाया गया, ठीक है, ये सब कोर्ट तो 1861 में सेटअप हो गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 के तहत ही, सॉरी हाईकोर्ट एक्ट 1861 के तहत ही। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1935 में आया, उसके बाद में जो है एक फेडरल कोर्ट सेटअप किया गया न्यू दिल्ली में, और इसको बोला है कि जितना भी हाईकोर्ट वर्क कर रहा है सबका अपील यहाँ पे होगा, और इसके फैसले के खिलाफ, मतलब कि जो फेडरल कोर्ट सेटअप हुआ इसके फैसले के खिलाफ भी लंदन में अपील होगा, वहाँ का जो कोर्ट है उसमें अपील होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत यहाँ पे फेडरल कोर्ट सेटअप हुआ। इसी कोर्ट को आगे चल के सुप्रीम कोर्ट नाम रख दिया गया इंडियन, मतलब कि ये जब भारत आज़ाद हुआ तो 18 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है, 18 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने के 2 दिन बाद इसका नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया, और इसको मैक्सिमम कोर्ट ऑफ अपील बोला गया इंडिया में, ठीक है, कि मतलब कि इंडिया में इसका डिसीजन को अब कहीं अपील नहीं किया जा सकता है। ये था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है ओरिजिनली इसमें 1+7 जज थे, मतलब कि 1 चीफ जस्टिस + 7 अदर जस्टिस, लेकिन अभी जो है 1+33 है, 1+33 है, मतलब टोटल 34 जज हैं, 1 चीफ जस्टिस + 33 अदर जस्टिस। ये जज का नंबर जो है पार्लियामेंट के द्वारा डिफाइन किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा बढ़ाया जाता है कि अभी कितने जज होंगे, बढ़ाया घटाया जो भी किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मेंशन हमारे संविधान के पार्ट 5 में है, हमारे संविधान के पार्ट 5 में पाँचवें हिस्से में है, मतलब कि 22 पार्ट है उसमें से पार्ट 5 में है, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक, ठीक है, आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। ये था इस न्यूज़ से। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, BCI डिनाउंसेज अटैक ऑन सुप्रीम कोर्ट क्रिस्टलाइज जस्टिस लोकुर सिन्हा। तो जस्टिस लोकुर जो सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस है उनके बात को लेकर BCI भी जो है उन पे अटैक किया है, मतलब मारा नहीं उनको, मतलब उनके बयान को लेकर के शिकायत दर्ज कराया है अपना, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसे सुप्रीम कोर्ट का जो इज्जत है वो खराब होता है, मतलब उसका नाम खराब होता है, उसका क्रेडिबिलिटी खराब होता है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक स्टेचुटरी बॉडी है, स्टेचुटरी करने का मतलब क्या हो कि किसी एक्ट के तहत आया है, ठीक है, और एक स्टेचुटरी बॉडी है। सेक्शन 4 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत है, एक एडवोकेट एक्ट था 1961 का, हाईकोर्ट एक्ट है 1861 का, एडवोकेट एक्ट है 1961 का, उसी के सेक्शन 4 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सेटअप किया गया, इसलिए स्टेचुटरी बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इंडिया में जितने वकील हैं सबको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि कास्ट स्लर ऑन प्राइवेट कॉल नॉट एन ऑफेंस अंडर SC ACT एक्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कल एक डिसीजन आया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, हरियाणा हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया है, ठीक है, एक हरियाणा हाईकोर्ट का डिसीजन आया है कि जो पंजाब और हरियाणा का कंबाइंड कोर्ट है उसका एक डिसीजन आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट एक्ट है, सो SC ST एक्ट है, SC & ST एक्ट, प्रिवेंशन एंड अट्रोसिटीज एक्ट 1989 का जो एक्ट है, इसके तहत क्या है कि किसी SC ST को आप उसके जाति सूचक शब्द बोलते हैं या फिर उसको किसी तरीके से सताते हैं तो आपको इस एक्ट के तहत केस होगा, और इसमें बिना मतलब कि वारंट के भी इसमें अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, बिना कोई जांच पड़ताल के भी अरेस्ट किया जा सकता है। काफ़ी एक बोल सकते हैं टफ एक्ट है, इसके तहत काफ़ी कड़ा प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि कास्ट स्लर ऑन प्राइवेट कॉल, यदि किसी को प्राइवेट कॉल पे कास्ट मतलब कि कास्टिज्म शब्द यूज किया जाता है, मतलब किसी के सामने नहीं, कहने का मतलब हुआ कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी पब्लिक व्यू, ठीक है, मतलब किसी पब्लिक के सामने नहीं, यदि ऐसा किया जाता है प्राइवेट कॉल पे किया जाता है तो इसके तहत उसके उसमें उस पर केस दर्ज होगा, ऐसा नहीं कि केस दर्ज नहीं होगा, लेकिन इस एक्ट के तहत नहीं होगा, ठीक है, इस एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं होगा यदि प्राइवेट कॉल पे कोई कास्ट सलर करता है, ठीक है, कास्ट से रिलेटेड गाली या फिर कुछ उस तरह का बात करता है तो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हरियाणा, हालांकि इस डिसीजन को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा जो भी पिटीशनर है उनके द्वारा, अभी किया नहीं गया है या फिर नहीं भी किया जा सकता, लेकिन हमको तो लगता है कि किया ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि प्राइवेट कॉल पे, ठीक है, मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पे कोई दूसरा आदमी नहीं है, और यदि आप उस एब्सेंस ऑफ एनी पब्लिक के सामने मतलब कि केस में आप किसी को कास्ट सलर करते हैं तो फिर आप पे SC ST एक्ट के तहत केस नहीं होगा। नेक्स्ट है IMD फोरकास्ट हैवी रेनफॉल ऑन June 3 and 4। तो IMD के द्वारा फोरकास्ट किया गया हैवी रेनफॉल 3 और 4 जून को मुंबई में, और थाने पालघर को रेड अलर्ट पर रखा गया, पालघर भी मुंबई के आसपास है, मतलब महाराष्ट्र में ही। तो हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं IMD के बारे में। IMD का स्थापना होता है 1875 में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है,
1875 में स्थापना हुआ था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है IMD, ठीक है। IMD के द्वारा चार कलर कोडेड वार्निंग दिया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं रेड अलर्ट, तो सबसे पहले आता है ग्रीन अलर्ट, ग्रीन अलर्ट का मतलब था ऑल इज वेल, ठीक है। उसके बाद आता है ऑरेंज अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है बी अवेयर, मतलब जागरूक हो जाइए, मतलब अवेयर हो जाइए। नेक्स्ट बी, उसके बाद आता है येलो अलर्ट, येलो अलर्ट का मतलब होता है बी प्रिपेयर, मतलब कि आपदा नज़दीक आने वाला है, आप लोग प्रिपेयर रहिए। उसके बाद आता है रेड अलर्ट, मतलब कि आप टेक एक्शन, ठीक है। तो पालघर को रेड अलर्ट पर रखा गया। तो चार तरह का कलर कोडेड अलर्ट होता है। IMD का स्थापना 1875 में हुआ था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है। नेक्स्ट अमेंडमेंट ऑफ न्यू नेपाल टेबल्ड इन पार्लियामेंट, तो नेपाल जो अपना नया मैप जारी किया था उसको पार्लियामेंट में टेबल किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके नए मैप को यहाँ पे अप्रूव किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बिल उसके लिए अप्रूव, मतलब कि रखा गया है वहाँ के संसद में, एक स्पेशल सेशन हो रहा है अभी पैंडेमिक के, मतलब कि ड्यूरिंग ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ का शेड्यूल 3 में चेंज करना पड़ेगा, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के, यहाँ के नहीं, द कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल, तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा अमेंडमेंट बिल होगा, मतलब कि अभी हाल ही का कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए तो शेड्यूल 3 में उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, ठीक है। और नया मैप जो 20 मई को जारी किया गया था उसको अप्रूव किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के द्वारा। इसमें मैंने 3 इलाके को दिखाया गया, काला पानी, लिपुलेख और लिम्फाधुरा, ठीक है। काला पानी, लिपुलेख और लिम्फाधुरा, ये 3 इलाकों को नेपाल में दिखाया गया। अब ये तीनों इलाका जो है इंडिया के तहत है, इंडिया के उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में तीनों इलाका आता है, ठीक है। तो इसमें था इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री डिमार्केट कैसे होता है, ठीक है। हालांकि ये बिल अप्रूव होगा या नहीं, ये मतलब कि अभी कुछ अनसर्टेनिटी ही है, क्योंकि बहुत सारे लीडर जो हैं जो इंडिया के तरफ से बोलते हैं, मतलब कि बहुत सारे लीडर जो इंडिया के तरफ नॉर्मल व्यू रखते हैं, ठीक है। जैसे ये जो अभी गवर्नमेंट वहाँ की, वो चाइना ओरिएंटेड है, मतलब चाइना के तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। कुछ वहाँ के लीडर हैं, एक पार्टी ऐसी है जो इंडिया की तरफ ओरिएंटेड है, तो उस पार्टी के द्वारा शायद इसको सपोर्ट ना किया जाए। हालांकि वहाँ के जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर, उनके द्वारा कहा गया है कि सारे सांसद एक तरफ है, मतलब कि इस बिल को पास होना ही जाएगा, ऐसा उनके द्वारा कहा गया, लेकिन होता है नहीं। तो कल के न्यूज़ में या फिर नेक्स्ट न्यूज़ जब भी आएगा तो देखेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं सुगौली ट्रीटी के बारे में। इंडिया और नेपाल के बीच में एक सुगौली ट्रीटी है, उसी के तहत इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री डिमार्केट किया जाता है। सुगौली ट्रीटी हुआ था एंग्लो नेपाल वार के बाद। एंग्लो नेपाल वार जो है 1814 से 1816 तक चला था, उसी के बाद जो है सुगौली ट्रीटी साइन हुआ था। सुगौली ट्रीटी साइन यदि पूछा जाए तो 2 दिसंबर 1815 को साइन हुआ था, 2 दिसंबर 1815 को साइन हुआ था। लेकिन ये फोर्स में कब आया था, मतलब दोनों जगह से इसको माना कब गया, 4 मार्च 1816 को। तो इसलिए बोला जाता है कि सुगौली ट्रीटी 1816 का है, ठीक है। एंग्लो नेपाल वार हुआ था 1814 से 1816 तक, उसी के तहत इसको साइन किया गया था। अरे हुआ था किसके बीच में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और किंग ऑफ नेपाल के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग ऑफ नेपाल के बीच में। उस समय नेपाल के राजा थे गुरु गजराज मिश्रा, ठीक है, उनके बीच में हुआ था। और उस समय यहाँ के वायसराय कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, 1813 था ना, तो वायसराय कौन थे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या गवर्नर जनरल जो भी उस समय पोस्ट था। नेक्स्ट है कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सेफर्स हेल्ड फॉर स्पाइंग, तो दो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर स्टाफ को, है ना, जैसे पाकिस्तानी एम्बेसी में रहने वाले दो स्टाफ को स्पाइंग के जुर्म में पकड़ा गया है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा, और उनको बोला गया कि आप 24 घंटे के अंदर देश छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड मेंशन किया गया है, परसोना नन ग्रांटा, ठीक है। कुछ दिन पहले MES क्यूरी आया था, तो MES क्यूरी का मतलब क्या होता है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट का दोस्त। तो परसोना नन ग्रांटा का मतलब क्या होता है, तो ऐसा पर्सन, मतलब पर्सोना नॉन ग्रांटा का लिटरल मीनिंग होता है पर्सन नॉट वेलकम, ठीक है। पर्सन नॉट वेलकम यानी कि पर्सन आप जिसका स्वागत नहीं है, जो इंडिया में रहने लायक नहीं है आप किसी कंट्री में, उसको पर्सोना नॉन ग्रांटा बोला जाता है। तो डिप्लोमेसी में वर्ड ज़्यादा यूज किया जाता है। डिप्लोमेसी में क्या है कि पर्सन नॉन ग्रांटा इज अ फॉरेन पर्सन हुज इंटरिंग और रिमेनिंग इन द कंट्री इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो जिसका इंटर करना या फिर इंडिया में रहना, उस किसी भी कंट्री में रहना प्रोहिबिटेड है, तो उनको बोला गया 24 घंटे के अंदर आप देश छोड़ दीजिए, नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगा। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है, UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन जो वन डे एग्जाम है वहाँ पे पूछा जा सकता है कि केरला के पहले वीमेन DGP कौन बनी है, तो याद रखिएगा R. Srilekha केरला के फर्स्ट वीमेन DGP बनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि 2 many एस्पिरेंट्स फॉर नरेगा जॉब, तो नरेगा जॉब के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट का यहाँ पे बताया जा रहा है, तो मतलब कि नरेगा जॉब को चाहने वाले हुए बहुत लोग हो चुके हैं, क्योंकि जितने लोग इधर से शहर से रिटर्न होकर के अपने गाँव गए हैं सबको जॉब चाहिए, और जॉब किस में मिलेगा, तो नरेगा में मिलेगा। हम लोग नरेगा के तहत पढ़ लेते हैं कि ये जो है एक एक्ट के तहत आया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, उसके तहत आया था, और 2 फरवरी 2006 में जो है इसको लागू किया गया था। तो नरेगा को लॉन्च किया था 2006 में, 2 फरवरी 2006 को। इसके तहत 100 दिन का एक रोजगार दिया जाता है हर एक फैमिली, कोई भी आदमी जो 18 वर्ष ऊपर का है और काम करना चाहता है, तो अनस्किल्ड सेक्टर में, याद रखिएगा अनस्किल्ड सेक्टर में दिया जाता है, स्किल्ड सेक्टर में नहीं, तो अनस्किल्ड सेक्टर में जॉब दिया जाता है।
और 100 दिन का फिक्स जॉब दिया जाता है, मतलब कि साल में आपको कम से कम 100 दिन आपको रोजगार मिलेगा, इसका गारंटी लिया जाता है सरकार के द्वारा। रोजगार कहाँ मिलेगा, तो जहाँ पे वो रोजगार मांगा है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में मिलेगा, मतलब जहाँ उसका घर है वहीं पे वो रोजगार मांगेगा, या फिर जिस भी पंचायत में वो रोजगार मांगना चाहता है तो उसी पंचायत के अंदर, या फिर उसका जहाँ से जहाँ पे वो रोजगार मांगा है जो उसका प्रेफर्ड लोकेशन है उससे 5 किलोमीटर एरिया के अंदर मिल जाएगा। यदि रोजगार मांगने के 15 दिन के अंदर उसको जॉब नहीं मिलता है, ठीक है, मतलब रोजगार वो मांगा मुखिया से जा करके या फिर जो भी वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, 15 दिन के अंदर यदि उसको कोई भी रोजगार नहीं मिलता है तब उसको फिर अनएम्प्लॉयमेंट के बदले, मतलब कि रोजगार भत्ता देना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा उसको काम चलाने के लिए कि हम रोजगार नहीं दिए, तो एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर फाइन लग जाएगा, है ना। तो था नरेगा के बारे में। नेक्स्ट है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट वाले इलाके में बेंगलुरु के आसपास कर्नाटक वाले रीजन में 20 स्पीसीज को नया डिस्कवर किया गया है रिप्टाइल्स बर्ड और मैमल के कैटेगरी में, ठीक है, मतलब कि 20 न्यू स्पीसीज को रेस्क्यू किया गया है यहाँ पे, और जो कि डिफरेंट कैटेगरी से आते हैं, जैसे टर्टल भी हैं उसमें, मंकी भी है, स्नेक भी है, ठीक है, पीकॉक भी है, स्क्वायरल भी है, तो इस तरीके से 20 नया स्पीसीज जो है डिस्कवर किया गया है अभी। तो हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में देखते हैं। बिहार आस्क सेंटर टू बियर इंटायर कॉस्ट ऑफ स्कीम। तो बताया जा रहा है कि इंटायर को मतलब कि स्कीम के सारे कॉस्ट को बिहार के द्वारा से बोला है कि पैसा ख़त्म हो गया है, सेंटर जो है मदद करे, जितना भी स्कीम चल रहा है उसका पैसा सेंटर दे। एक्चुअली इसमें है क्या, इस न्यूज़ में यहाँ पे एक मेंशन किया गया कि जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि बिहार के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं और साथ में उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो बताया गया जितना भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसका पैसा जो है केंद्र सरकार अभी दे, और उनके द्वारा बोला कि 85% जो है डिस्काउंट हो चुका है, मतलब पहले यदि 100 रुपये बिहार का पैसा मिलता था टैक्स के रूप में तो 15 रुपया मिल रहा है क्योंकि यहाँ का प्रोडक्शन काफ़ी कम हो चुका है। तो हम लोग देखते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है। तो एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होता है उसका 100% पैसा केंद्र सरकार देती है, जैसे पीएम किसान योजना है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसका 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। उसके बाद होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है, इसमें कुछ पैसा केंद्र देती है और कुछ पैसा राज्य देती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 60-40 की रेशियो में बांटा जाता है अधिकांशतः, हालांकि रेशियो केस टू केस बेसिस पे मतलब डिपेंड करता है, डिफरेंट स्कीम के लिए डिफरेंट रेशियो है, लेकिन नॉर्मली रेशियो जो है 60-40 है, अधिकांशतः स्कीम के लिए 60-40 रेशियो है, ठीक है। तो 60-40 रेशियो है किसके लिए, तो नॉर्मल स्टेट के लिए और जो हिमालयन स्टेट है, हिमालयन के जो पहाड़ी स्टेट है, उसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी वाला स्टेट है, जो विशेष राज्य का दर्जा वाला जो स्टेट है, है ना, वहाँ पे रेशियो होता है 90:10, मतलब 90% पैसा केंद्र देता है, 10% स्टेट देता है। नॉर्मल क्या होता है, 60-40 का रेशियो होता है, इसलिए हर स्टेट चाहता है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, है ना। बिहार भी कई दिन से अप्लाई कर रहा है, ठीक है, जब चुनाव होता है तब बोला जाता है। तो 60-40 के रेशियो में इसको बांटा जाता है अभी जो भी खर्च होता है, किसी किसी केस में 50-50 भी हो सकता है, किसी किसी स्कीम में, या स्कीम पर डिपेंड करता है, जैसे हम पहले बताएं किसी किसी स्कीम में 50-50 भी हो सकता है। तो यही अभी सुशील मोदी का कहना है, जो बिहार के वित्त मंत्री हैं, कि जो 60-40 वाला रेशियो है उसको भी 100 कर दिया जाए, मतलब सब पैसा केंद्र सरकार ही खर्च करें, है ना, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है। जैसे इसमें कौन कौन आता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड वाले में कौन कौन आता है, जैसे आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और 40% पैसा राज्य सरकार देती है, ठीक है। और भी कई तरह के स्कीम इस तरीके के हैं, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना सॉरी, तो उसके तहत मिड डे मील भी है, ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, 60% पैसा केंद्र और 40% राज्य। इस तरीके का जितना भी स्कीम है सबके लिए कोस्ट जो है केंद्र उठाए, ऐसा इसका कहना है, मतलब बिहार के सुशील मोदी का कहना है, वित्त मंत्री जो है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज है कि रेयर स्कॉर्पियो फिश फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार। तो सबसे पहले जानते हैं गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, तो जो हमारे पेनिनसुलर इलाका है यहाँ पे श्रीलंका है, तो ये वाला जो रीजन है ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इसको गल्फ ऑफ मन्नार बोला जाता है। यहाँ पे पाक स्ट्रेट भी है और यहाँ पे अभी एक नया फिश फाउंड किया गया जिसको स्कॉर्पियन फिश बोला जा रहा है। इस फिश का खासियत क्या है, तो ये अपना कलर चेंज करता है, जैसे गिरगिट चेंज करता है ना कलर, उस तरीके से, ठीक है। वो यहाँ बताया जा रहा है किसके द्वारा फाउंड किया गया, तो रिसर्चर सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI जो चेन्नई में है, सॉरी कोची में है, ठीक है, इसके द्वारा जो है फिश फाउंड किया गया जिसको बोला गया स्कॉर्पियन फिश, और ये काफ़ी रेयर फिश है और इंडियन वाटर में पहली बार ऐसा फिश मिला है, ठीक है, पहली बार जो है ऐसा कोई फिश जिंदा मिल पाया गया है इंडियन वाटर में। और ये अपना कलर चेंज कर सकता है, कैमोफ्लेज कर सकता है, ठीक है, याद रखिए। तो ये पूछा जा सकता है कि फिश का क्या नाम था, तो स्कॉर्पियन फिश कहाँ पाया गया है, तो गल्फ ऑफ मन्नार में पाया गया, किसके द्वारा, तो CMFRI के द्वारा, यानी सेंट्रल मैराइन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट है बंगाल ग्रैंड ओल्ड बिल्डिंग बियर द ब्रंट ऑफ अम्फान। तो अम्फान साइक्लोन आने के कारण कई बिल्डिंग जैसे संत एंड्रयू चर्च, सेरामपुर कॉलेज, डुप्लेक्स पैलेस और भी कई तरह की इस तरह के बिल्डिंग जो काफ़ी पुराने बिल्डिंग थे, है ना, जिसमें मॉस्क भी है, मंदिर भी है और भी कोई यूरोपियन है, सब मतलब यूरोपियन बिल्डिंग है, सब जो है डैमेज हुआ है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो 1861 में बनाया गया था अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा, उनके जो कलकत्ता सर्कल के जो हेड चीफ हैं उनके द्वारा ऐसा बोला गया है क्या क्या यहाँ पे नुकसान हुआ था आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है बहुत सारे हेरिटेज बिल्डिंग को इस तरह से नुकसान हुआ है। तो एक मिनट तो सबसे पहले देखते हैं श्रीरामपुर कॉलेज का बनाता है जो 200 साल पहले सेटअप किया गया था विलियम कैरे के द्वारा, ठीक है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू प्लेड अ सिग्निफिकेंट स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो ये जो कॉलेज जो वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाने में इंडिया में स्प्रेड करने में काफ़ी एक प्रोमिनेंट रोल निभाया था। तो इसका बिल्डिंग डैमेज हो चुका है, ठीक है। एक महागोनी द महागोनी विंडोज ऑफ द स्टेटली मेन बिल्डिंग ड्रॉप फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, तो इसका एक विंडो जो है फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गया है। उसके बाद है डुप्लेक्स पैलेस, डुप्लेक्स पैलेस जो है चंदन नगर में है, इसको फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स के द्वारा बनवाया गया था, वो डैमेज हो चुका है। उसके अलावा फिर एक हुगली इमाम बाड़ा है, यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं हुगली इमाम बाड़ा है ये, इसको भी कुछ डैमेज पहुँचा जो 1841 से 1861 के बीच में बनाया गया था। तो इस तरह से एक और भी कई बिल्डिंग है जिसको डैमेज पहुँचाया गया है, ठीक है, साइक्लोन अम्फान के द्वारा। और यहाँ पे एक और मेंशन किया गया है मेटकाफ हाउस है, ठीक है। मेटकाफ हाउस जो है याद रखिएगा मेटकाफ हॉल कोलकाता में है, हाल ही में इसको रिस्टोर किया गया था। रिस्टोर करने का मतलब ये भी काफ़ी जर्जर हालत में था, इसको हाल ही में रिस्टोर किया गया था, ठीक है। उसके अलावा जो संत एंड्रयू चर्च है जो 1818 का बना है उसको भी डैमेज पहुंच गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कोलकाता के कई हिस्टोरिकल बिल्डिंग को डैमेज पहुंचाया गया साइक्लोन अम्फान के द्वारा। तो ऐसा यहाँ पे एक बॉडी मेंशन है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड एग्रीकल्चरल हेरिटेज इंटेक। तो याद रखिए यदि पूछा जाए कि इंटेक किस फील्ड का बॉडी है, किस फील्ड में काम करता है, इंटेक जो है तो आर्ट एंड कल्चर वाले फील्ड में वर्क करता है, खास करके हेरिटेज को कंजर्व करने में करता है, ठीक है। तो था आज के न्यूज़ डिस्कशन से। तो इसी के साथ आज का न्यूज़ का समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।